लंबे समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि ये भी निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, वरंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश्वास मनुष्य और पक्षियों और चौपायों रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन सब लोगों की आभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। किनकी ऊपर होता है? अब ये भी बता रहे हैं कि जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, मतलब जो सत्य है उसको अपने अधर्मों के कामों से, जो परमेश्वर कहते भी नहीं है उन कामों से सत्य को दबाते हैं, उनके लिए परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान अब क्यों होता है, वो भी कारण है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। और परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान हमको बाइबल के द्वारा प्रकट किया है, भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट किया है, तो प्रकट किया है, सबको बताया है। तो इसलिए कि सत्य को जानने के बाद भी वो अधर्म के कारण परमेश्वर की सच्चाई को दबाते हैं, तो स्वर्ग से उसका क्रोध प्रकट होता है। तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है और यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, मतलब परमेश्वर के अनदेखे गुण जो हम देखते भी नहीं, जो परमेश्वर करता है और जगत की सृष्टि के समय से ही उसने जो भी, मतलब जो भी वो कुछ करता है परमेश्वर, जो भी चमत्कार, जो भी चीजें करता है जगत की सृष्टि के समय तक, वो आज भी करता है। तो ये सब देखने के बाद भी तुम अधर्म से परमेश्वर की सच्चाई को दबा रहे हो, तो उसका क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। और क्या करा कि परमेश्वर को जानने के बाद भी कि यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा परमेश्वर, ऐसे इसराइलियों में हुआ था। इसराइलियों में क्या हुआ था कि परमेश्वर ने मिस्र में 10 चमत्कार दिखाए थे ना, 10 चमत्कार दिखाने के बाद इसराइलियों को ये प्रकट करा दिया कि मैं ही तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूँ। लेकिन जब इसराइली लोग 40 साल इस जंगल में रहे, तब वो परमेश्वर को बुड़बड़ाने लगे, मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहाँ मार डालने लाया, हमें मांस चाहिए खाने के लिए, हमें पानी चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, डिमांड करने लगे और नहीं देने पर परमेश्वर को बुड़बड़ाने लगे। तो मतलब कि 10 विपत्ति से, 10 चमत्कार के द्वारा जो तुमको इतनी सामर्थ रखता है कि मिस्र से छुड़ाकर तुम्हें कनान देश ले जाएगा, तो क्या वो परमेश्वर तुम्हें खाना पीना नहीं देगा? देगा, जरूर देगा। लेकिन एक चीज थी कि उनके मांगने का तरीका भी तो देखो कितना है, मांगते तो है लेकिन बुरी तरीके से मांगते हैं। हमें क्या मिस्र में कब्रें नहीं थे जो तू हमें यहाँ ले आया, ये कोई कहने का तरीका होता है परमेश्वर, मतलब उन लोग जो परमेश्वर को जानने के बाद 10 चमत्कार करना, परमेश्वर ने क्या चमत्कार करे, ओले बरसाए, आग बरसाई, तिद्दियों को, मतलब 10 चमत्कार, 10 विपत्ति लाकर मिश्रियों के ऊपर, मतलब सच्चा परमेश्वर मैं ही हूँ ये प्रकट करा। लेकिन उन लोग ने फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध मतलब बुड़बुड़ाया, मतलब ये कि परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर को बढ़ाई नहीं दी, लेकिन मतलब परमेश्वर की जो स्तुति थी उन लोगों ने स्तुति और धन्यवाद ना किया, लेकिन अपने विचारों में लग गया कि हमें ये चाहिए परमेश्वर, हमें ये भी चाहिए परमेश्वर, वो भी चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता, हमें वो चाहिए जो हमें चाहिए। तो कभी कभी ये भी सोचो परमेश्वर जो आप देना चाहते हैं वो चाहिए, अब मेरी इच्छा नहीं, आपकी जो इच्छा वो चाहिए। तो ऐसे मिस्रियों ने भी किया था और आज लोग करते भी, हम भी करते हैं कि कभी कभी हम परमेश्वर को जानने के बाद भी उसकी बड़ाई नहीं करते, लेकिन अपने ही विचारों में लग जाते हैं, जैसे मिस्री लोग, इसराइली लोग थे जो परमेश्वर को 10 विपत्ति के बाद जानने के बाद भी 40 साल तक परमेश्वर को बुड़बड़ाते रहे, उसकी बड़ाई नहीं की।